और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था, बेचारे डॉलर कहां से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी माने, इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ओपनिंग सेरेमनी नहीं देखी है। नंबर वन लीग है, नंबर वन लीग ने नंबर वन ओपनिंग सेरेमनी करवाई है। हर चीज वेल ऑर्गेनाइज थी, एक एक चीज परफेक्ट। इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, द मल्टीनेशनल्स, द इंडियन कंपनीज, द यूनिकॉर्न्स। मैं देख रहा था अभी के जो भारत पे एंड ऑल जो बड़ी मेगा बिग यूनिकॉर्न्स हैं, दे आर पोरिंग इन मनी इनटू आईपीएल। 6-7 सालों में फर्क आ गया, उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। अमाउंट 10-12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60-80 करोड़ तो बजट है एक टीम। जो एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर मिल सकता है, क्योंकि जो प्लेयर्स, जिस बोर्ड के प्लेयर्स, जिस मुल्क के प्लेयर्स आईपीएल में शिरकत करते हैं, उस बोर्ड को भी 10% मुआवजा मिलता है। देखिए, नो डाउट इस वक्त इंडिया बोर्ड जो है वो जिसको चाहे बुलाए और जिसको चाहे ना बुलाए, ये हम सब मानते हैं और मानना भी चाहिए, जो हकीकत है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड है फाइनेंशियली, और उनकी पॉलिसीज बहुत तगड़ी हैं, पैसा बहुत ज्यादा है, हर कोई खेलना चाहता है इंडिया से। अगर जो नहीं भी खेलना चाहता, उनके पास पैसे की इतनी ताकत है कि उस चीज से वो उनको रोक देती है। वो डोमिनेट करती है, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जब आईपीएल हुई थी ना तो बहुत पैसा आया, जैसे ही आईपीएल चलती चली गई पैसा बढ़ता चला गया। अच्छा, एक चीज हमारे क्रिकेट बोर्ड को समझनी चाहिए भाई, जब दूसरी लीग्स में जाते हैं ना या आईपीएल खेलने जाते हैं, उनको घूमने फिरने का मौका मिलता है, उनके पास कोई पाबंदियां उनके ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, हमारे इधर सिक्योरिटी, सुने मैं वही कह रहा हूँ, हमारे सिक्योरिटी बहुत है, आप जा नहीं सकते, आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको रोक दिया जाता है, एंजॉय नहीं करते, नहीं करने दे रहे ना। देखिए, फॉरेनर्स के लिए जब तक उनकी जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं रखोगे तो वो कैसे इतना टाइम गुजारेंगे। कितने प्लेयर्स हमारे सामने है पीएसएल से निकल के चले गए, 2-4 दिन के लिए वापस आ गए, फिर और प्लेयर्स भी इस तरह के। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, आईपीएल 2024 आज से स्टार्ट हो चुका है। बताते चले कि आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने अपने हुनर का जलवा दिखाया। बताते चले कि आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में एआर रहमान, सोनू निगम, अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे। आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इतनी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी उन्होंने आज तक पहले कभी नहीं देखी है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में जितना खर्चा आया है उतने में तो पूरा पीएसएल हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि आईपीएल जैसा ब्रांड बनाना किसी भी बोर्ड या किसी भी कंट्री के लिए आसान बात नहीं है, लेकिन इंडिया ने यह करके दिखा दिया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर और क्या कहा है। कैसे बड़ा हुआ, क्योंकि एक्सक्लूसिविटी है, अपने प्लेयर्स कहीं बाहर नहीं जाते, आपको इंडियन प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए देखते हैं, बट द काइंड ऑफ मनी दैट इज इन्वॉल्व, इसी वजह से वो अपने प्लेयर्स को बांध के रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में हम इतना इन्फ्लक्स ऑफ कैश और इतने पैसे जो हैं हम अपनी इकोनॉमी के हिसाब से क्या ये ला सकते हैं? एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है पाकिस्तान सुपर लीग अचीव कर सकते हैं? उन्होंने लीग की एक्सक्लूसिविटी क्रिएट की, वो किस तरह के 10 साल उन्होंने अपने इंडिया में कोई लीग नहीं होने दी उसके अंदर, जिसकी वजह से आईपीएल जो है वो स्ट्रेंथन हुई। उस चक्कर में इंडियन कंपटीशन कमीशन ने बीसीसीआई को 52 करोड़ रुपए का फाइन किया कि आपने यहाँ पे ये लीग सिर्फ करके कंपटीशन खत्म किया। उन्होंने उसको भी लिया, उन्होंने 52 करोड़ को भी लिया, उन्होंने कहा लेकिन हमने आईपीएल को बड़ा करना है। कमाल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, यकीन माने इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ओपनिंग सेरेमनी नहीं देखी है। क्या कमाल की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है। और याद रहे आपको कि ऐसे सीन सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिल सकते हैं, ऐसे सीन, ऐसी डेकोरेशन आईपीएल में सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिल सकती है। हमने बहुत सारी लीग्स देखी, हमने द 100 लीग देखी, बीपीएल देखी, पीएसएल देखी, लेकिन ऐसी ओपनिंग सेरेमनी मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखी। जिस मुल्क के प्लेयर्स आईपीएल में शिरकत करते हैं उस बोर्ड को भी 10% मुआवजा मिलता है, क्या ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह हो सकती है? देखिए, नो डाउट इस वक्त इंडिया बोर्ड जो है वो जिसको चाहे बुलाए और जिसको चाहे ना बुलाए,
ये हम सब मानते हैं और मानना भी चाहिए, ये जो हकीकत है वो बहुत स्ट्रांग बोर्ड है फाइनेंशियली और उनकी पॉलिसीज बहुत तगड़ी हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, हर कोई खेलना चाहता है इंडिया से, अगर जो नहीं भी खेलना चाहता उनके पास पैसे की इतनी ताकत है कि उस चीज़ से वो उनको रोक देती है, तो ये हम सबको मानना चाहिए। अब हमारे हमारा बोर्ड फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम ज़्यादातर कोशिश हमारी यही है कि हम अपनी परफॉर्मेंसेस से और जीत के दुनिया को एक मैसेज दें कि पाकिस्तान जो है वो एक टीम है और पाकिस्तान जो है हम चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान में आए, तो हमारे पास अलग तरीका है, उनका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका आप पैसों से मेरा मतलब कि हर चीज़ आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो मेरे ख्याल में एक जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ सवेरा आपसे पॉलिसी के हवाले से, पहले हम अपने एक दफ़ा पाँव पर खड़े हो जाएं, जब कोई चीज़ कोई मुल्क कोई सिस्टम एक पाँव पे खड़ा हो जाता है उसके बाद फिर वो दूसरों को अगर आंखें भी दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, लेकिन पहले अपने पाँव पे खड़े होने की ज़रूरत है। ठीक है नहीं आ रहे कोई इशू नहीं है, उनके बगैर भी PSL जो है वो बहुत तगड़ी, यहाँ की क्रिकेट हर प्लेयर मानता है, हर ओवरसीज क्रिकेटर खेलना चाहता है PSL, उनको स्टैंडर्ड का पता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने IPL 2024 की ओपनिंग सेरेमनी की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि PSL की जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तब उसे ना तो कोई देखने के लिए आता है और ना ही वो देखने लायक होती है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि ICC पूरी तरीके से IPL को बैक करती है, यही रीज़न है कि आज IPL अच्छा खासा आगे निकल चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब IPL होता है तब दुनिया भर की तमाम लीगें और तमाम टूर्नामेंट अपने आप बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि बायलेटरल सीरीज भी लगभग ख़त्म हो चुकी होती है क्योंकि IPL चल रहा होता है। इसका मेन रीज़न यह है कि दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े या अच्छे प्लेयर IPL में आ जाते हैं तो भला बायलेटरल सीरीज खेलने का फ़ायदा ही क्या निकलेगा। हालांकि केवल एक देश है जो केवल बायलेटरल सीरीज खेलता है और वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयरों को IPL में खेलने का मौका नहीं मिलता है। यह रीज़न है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और उसे बायलेटरल सीरीज खेलनी पड़ती है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि काश हमारे प्लेयर भी IPL का पार्ट होते तो काफ़ी अच्छा होता। हालांकि BCCI ने पाकिस्तानी प्लेयर को IPL से ऐसे बाहर निकाला है जैसे दूध में पड़ी मक्खी हो। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें ICC से प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आखिरकार क्यों हमें IPL में खेलने का मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि IPL की ओपनिंग सेरेमनी को देखकर एक बात तो फिक्स है कि जब भी आप किसी चीज़ की स्टार्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी होती है और IPL हर बार ये करके दिखाता है। IPL की ओपनिंग सेरेमनी किसी मेगा इवेंट से कम नहीं होती है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। That he does. His left hand is on the ground. The bat has slid. There you go. Look at that. Yeah. That's the only way on this pitch, like you see Mitch Marsh will throw for you. So, subscribe to the channel. Then, turn on the bell. So, the next video will not miss. Thank you.